पहली चस्का, क्या नाम होता है पहली चस्का, चस्का दिलीप जी कैनॉट बी सीन। ओके छत्रपति शिवाजी महाराज का जय। या साहेब इकडे चला जाऊया। ओके रेडी या सर। थैंक यू सर। सुहेल फिदाय और मेरे साथ है एक्स एमएलए विलेपार्ले के कृष्णा हेगड़े जी, जो आज छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर यहाँ पर हम जू बीच पे गैदर हुए हैं। यहाँ पर शिवाजी महाराज का जो स्टैचू देखा गया है, यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है इस अवसर पर। कृष्णा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन की, क्या कहना चाहोगे? क्या देखिए, महाराष्ट्र के जो आराध्य देवत है और हमारे देश के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका आज जयंती है और उसी अवसर पे आप देख रहे हैं कि हालांकि कोविड है लेकिन हमारे सब मित्र यहाँ पर आए हैं। और ये हम आए हैं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो हम सब के एक मार्गदर्शक थे। 1630 में उनका जन्म हुआ, 1654 तक उन्होंने जो नौसेना है उसका निर्माण किया और आज अगर इंडियन नेवी आप देखते हैं। और महाराज ने हमें दिखाया कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है, कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ा जाता है, कैसे लोगों के हित में काम किया जाता है, कैसे सब धर्मों के लोगों को साथ में लेकर, क्योंकि उनके सब बहुत सारे सिपहसालार जो थे जनरल लोग थे वो मुसलमान थे, तो उन्होंने दिखाया कि कैसे सब धर्मों के लोगों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो बोलते हैं, वो उसकी पूरी प्रेरणा जो है पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दिया है। और जो बाद में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, जब हम ब्रिटिशर के खिलाफ लड़े हैं, उसके भी अगर प्रेरणा हम पहले से देखने जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। उन्होंने मुगलों के साथ लड़ा, उन्होंने ब्रिटिशर के साथ लड़ा, उन्होंने एक महाराष्ट्र का निर्माण किया और उनका जो राज्य था पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक फैला था। और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये दिखाया कि सब धर्मों के लोगों को साथ में लो और सब अन्याय के खिलाफ लड़ो और लोगों के प्रति काम करो और उनके हित में काम करो, इसी तरह महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, उद्धव जी की सरकार है, वही उनकी बताए हुए रास्ते पे चल रही है। और आज देखा है आपने कि कोविड के टाइम पे उद्धव जी ने कितना बड़े भाई बनकर कितना अच्छा डायरेक्शन स्टेट को दिया है, कितना अच्छी तरह से काम किया है, इतने जानी बचाए। और उससे इम्प्रेस होकर
मुझे लगता है सिर्फ मुंबई ही नहीं लेकिन पूरा देश ने महाराष्ट्र को एक मॉडल माना है और मुंबई को एक मॉडल माना है। और इसी तरह से जो कोविड का ट्रीटमेंट है वो सिर्फ मुंबई और इंडिया में नहीं लेकिन पूरे जग भर में ये मॉडल को उन लोग अपनाती हैं। हाल ही में आप शिवसेना पार्टी आपने ज्वाइन किए थे, व्हाट वाज द रीजन लाइक फॉर लीविंग बीजेपी एंड लाइक कमिंग टू, एज यू सेड लाइक आपने बताया जी, फिर भी लाइक व्हाट वाज द अदर थिंग लाइक बिसाइड्स। देखिए उद्धव जी का जो लीडरशिप है जी वो एक सॉफ्ट स्पोकन लीडरशिप है लेकिन एक डिसाइसिव और फर्म लीडरशिप है और ये ऐसा लीडरशिप महाराष्ट्र को मिलनी चाहिए और ऐसे लीडरशिप का हम सबको मिलकर ताकत बढ़ानी चाहिए। इसके लिए मैं शिवसेना ज्वाइन किया। मुझे ऐसे जवाबदारी दी गई है कि आने वाले बीएमसी इलेक्शन में विलेपार्ले और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में मैं काम करूं, एक सैनिक बनकर काम करूं और बीएमसी में शिवसेना का झंडा फिर से बीएमसी हेडक्वार्टर्स पर लहराए। इसके लिए हमको सबको दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत करनी चाहिए और इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो आपकी लिए क्या किस तरह की लाइक यू नो यू विल बी वर्किंग ऑन व्हाट ग्राउंड, जैसे डेफिनेटली कि आप तो विले पार्ले में बहुत आपने बहुत काम किया है बट कुछ ना कुछ चीज़ें अभी जैसे कोविड से एक्चुअली ये रिसेंट जो लोगों को पता नहीं था, तो ऑन व्हाट ग्राउंड आर यू गोइंग टू वर्क एट प्रेजेंट लाइक यू नो फॉर दिस बीएमसी इलेक्शन। सो द वीआई द विले पार्ले पीपल द सिटीजन ऑफ विले पार्ले द सिटीजन ऑफ द सबर्ब नो दैट एनी बिग प्रोजेक्ट्स इन द सबर्ब्स लाइक द मिलन सबवे फ्लाईओवर वेदर इट इज द इंटरनेशनल यू नो एयरपोर्ट का टर्मिनल टू फ्लाईओवर is all done by Krishna Hegde, whether it is 3 skywalks, 3 subways, CCTV coverage in the suburbs, first solar light for the slums, bringing back Bhavesh Parmar from Pakistan jail, bringing back Hamid Ansari from Pakistan jail, doing over 620 different works apart from these works, opening up bar cinema for the residents, so many gardens, 52 different you know roads in the constituency is all Krishna Hegde. And now somewhere the you know the work is lacking, the directive is lacking where some new people have been elected, so people want me to come back and people want me to represent them and that is why I have you know come even this you know smarak of the Chhatrapati Chhatrapati Shivaji Maharaj is built by my father-in-law Dr. Ramesh Prabhu. So everything whether you see in Parla, in Jua, and in the adjoining areas, somewhere my family has a contribution. I wish you all the very best for your coming election and whatever your teams. मतलब हमने जो 2020 में जो कुछ भी थोड़ा खोया है वो 2021 में. Thank you very much. I pray for the safety and the health of all the citizens through your forum, through your site, and I wish you all the best, Sohil bhai. Thank you so much. Thank you. Take care. Thanks. It is a great day for all of us. Not just in Maharashtra, who I give, of course, a lot of you know congratulations to Maharashtra and to the entire country that we have the honor of coming to pay our respects to a great leader, Chhatrapati Shivaji Maharaj, who defended this country and was one of the first people to create a kind of bonding amongst the nation to fight people who came to exploit and plunder the nation. So he was the absolutely first freedom fighter, a person who is synonymous with the protection of this country. The other thing that Chhatrapati Shivaji Maharaj may be less known for, I'm not sure, was that he was the creator of maritime strategy. He was the one who created the Jal Sena, which we have today. The Indian Navy today should be, you know, we are all very grateful to Chhatrapati Shivaji Maharaj because it was because of his vision and his knowledge of maritime strategy, and that too at the age of 24. He did this all in 1654 when he was 24 years old. The Sindhudurg fort along the Malwan coast, he built fortresses and focused on maritime security, which today, as all the other things that Chhatrapati Shivaji Maharaj did, have developed into now a full-fledged Indian Navy. We should all be very grateful to him for our defense. And I would like to pay my compliments to the entire nation, Samast Bharat ko, Maharashtra ko, aur Shri Ramesh Prabhu ji ko, jo Krishna Hegde sahab ke, jo Ramesh Prabhu ji jinhone ye statue banaya hai. और समस्त महाराष्ट्र को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं
छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दर्शन करने आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दिलीप जी, यू आर एन एक्टर, लाइक कभी ऐसा मौका मिला कि जहाँ पर ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कोई ऐसी फिल्म हो या फिर आपको कोई यू नो ऐसा हमेशा है कि एक हिस्टोरिक फिल्म हो या ऐसा कोई कभी मौका मिला? आई हैव छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी में मुझे मौका नहीं मिला है, लेकिन अभी भी मैं हूँ यहाँ पर, शायद एक दिन मौका मिल जाएगा। डेफिनेटली, अगर उनके उनकी उनकी मतलब ब्लेसिंग्स हो तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू वर्क इन अ फिल्म विथ ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, होपफुली टू प्ले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन हिज लाइफ। That's right. Something about your professional life. What's happening in dino? Kya ho raha hai actually? Well, you know. Well, the lockdown has been severe on everybody, and it has been a very difficult time. And for me and all other people, for our profession is such that we go a lot. We go out a lot. I'm an outdoorsy person, so I like to spend time outside. I like to go out. My profession takes me out of the house. So it's been very difficult to deal with it. However, we've all tried our best, and I would like to compliment the state of Maharashtra and in particular Shri Uddhav Thackeray ji, who is hamare mukhyamantri hain, for the kind of effort, and the police in Mumbai and all the people who have fought in the forefront of COVID, the doctors, the BMC. I would like to thank them and congratulate them on a marvelous effort, and I think because of them and their effort we are all well reasonably safe. The problem has not gone away, so I would always advise everyone to be careful, wear your mask. I'm only removing this mask because we're doing an interview. Otherwise, wear your masks, take care, go about your work, but go with precautions and respect the rules and regulations that the government is giving us. I personally I cannot complain, because though the lockdown has been difficult for me professionally and personally, I still am more fortunate than a lot of people who've had a very difficult time. I wish that all of them, I wish them all success. I wish them good health for those who are afflicted with COVID and other diseases, and I hope that things will now improve, and we will make progress like we were. So I would like to sort of sign off by saying Jai Maharashtra, Jai Hind, and everyone look after yourselves. Yeah. Thank you. I wish you all the best, and may the coming year, many years, like you do whatever you have been doing, like you know, entertaining people. Yeah. That's okay. What I wish you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Udilip.